आज हम बहुत ही इजी होममेड मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है आधा लीटर दूध, आधा कप चीनी, आधा किलो आम जिसकी हमने पहले से प्यूरी बना के रखी हुई है, 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क, 1 कप क्रीम जो हमने पहले से बीट की हुई है, और गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम और टूटी फ्रूटी। अब हम मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन लिया और उसमें हमने जो आधा लीटर दूध लिया था, अब हम उसमें हमने वो डाल दिया। अब ये दूध इसको हम गरम करेंगे और जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। अब जैसा कि हमारा दूध थोड़ा सा गरम हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे उबलने तक हम इसे गरम करेंगे। तो ये हमारा दूध बॉयल हो चुका है, लेकिन इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये दूध अब हम ठंडा कर लेंगे। तो ये जो दूध हमने ठंडा कर लिया था उसमें अब हम 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क डालेंगे। दूध में हमने पाउडर मिल्क डाल दिया और उसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो दूध हमने ठंडा कर लिया था उसमें से 1 कप दूध में हमने पाउडर मिल्क ऐड किया था, तो वो वाला दूध भी हमने उसी दूध में दोबारा ऐड कर एक बाउल में। अब हम ये जो क्रीम हमने ली थी अब उसे हमने एक बाउल में डाल लिया। उसके अंदर हम मैंगो की प्यूरी ऐड करेंगे। क्रीम हमने बीट की हुई थी उसके अंदर अब हमने मैंगो की प्यूरी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से हम लोग विस्क कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप लोग हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने जो क्रीम ली है उसके अंदर हमने मैंगो की प्यूरी ऐड कर दी और हम उसे अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बीटर का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप लोग हैंड विस्क या स्पून का भी यूज़ कर सकते। तो जो हमने विप क्रीम और मैंगो की प्यूरी ऐड करके बैटर बनाया था वो अब हमने अपना जो दूध बचाया था उसके अंदर हमने ऐड कर दिया और उसे अब हम बीट कर रहे हैं। तो इस बाउल में हमने सारा बैटर ऐड कर लिया और इसे अब हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना रहें। अब हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैप लगाएंगे और ये हमारी मैंगो आइसक्रीम हो गई है फ्रिज में जाने के लिए तैयार। इसे हम 8 से 10 घंटे या 12 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद इसे सर्व करें। 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी ये मैंगो आइसक्रीम फ्रीज़ होके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो जैसा कि गार्निशिंग के लिए हमने बादाम और टूटी फ्रूटीज लिए थे तो वो अब हमने अपनी डिलीशियस आइसक्रीम पर डाल दिया और अब ये हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है खाने के। ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। गुड बाय।